किस चीज की खेती कर रहे हैं? हाँ केले की खेती है ये, और पूरी तरीके से जैविक खेती है, जीरो फर्टिलाइजर पे हम गए हैं इस बार। अपना एरिया है क्या, थोड़ा बताएं कैसे खेती की जाती है इसमें? चूंकि जैविक खेती है पहली बार कर रहे हैं, और केले की खेती बहुत बहुत कॉस्टली होती है, इन्वेस्टमेंट हैवी होता है, इसलिए हमने पहली बार 18 मंडे पे ये जैविक खेती की है। इससे पहले हम 2012-13 से भी केले की खेती करते रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से फर्टिलाइजर बेस्ड खेती थी। तो इस बार कोशिश ये की है कि थोड़ा सा जैविकता की तरफ जाएं, और आप देख रहे हैं बाकी जगह जाएंगे तो पौधे बहुत बड़े बड़े दिखाई देंगे, क्योंकि जैविक खेती है इसलिए पौधे आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। कितना लागत लगा है इसमें? अब जैविक खेती है, आप ये मान लीजिए कि अगर हम 18 मंडे की बात करें, तो 18 मंडे पे अभी हमें लगता है कि पौधा वगैरह सब मिला के करीब करीब 50,000 रुपये के आसपास का खर्च है। अच्छा, ये हार्वेस्टिंग तक की खर्च हम बता रहे हैं, जो हमारा कैलकुलेटेड एस्टिमेट है 50,000 रुपये 18 मंडे का कटाई तक का खर्च है। और ये इससे मुनाफा कितना लगभग मिल जाएगा? अब इससे मुनाफे की बात हम क्या करें, क्योंकि देखिए दिक्कत ये है ना कि जैविक खेती करना तो ठीक है, जैविक प्रोडक्ट का दाम नहीं मिलता है हमारे यहाँ, क्योंकि हम खुद बेचते हैं, तो इसको हम ले जाके कहीं ना कहीं बाहर सेल करेंगे, तो उम्मीद है कि 18 मंडे पे हमें 1 लाख रुपए के आसपास प्रॉफिट बचना चाहिए, लागत का दोगुना लगभग मिल जाएगा, 3 गुना मान लीजिए। तीन गुना मिल जाएगा। इसको की फसल कैसे तैयार करते हैं इसको? फसल में देखिए जुलाई में ये पौधे लगे हुए हैं, 15 जुलाई को ये पौधे लगे थे, और उसके बाद फिर गोबर की खाद और नीम की खली, सरसों की खली, इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करते हुए जो हमारे घर पे बायो वेस्ट बच जाता है उन सबको ले आके और इस खेती को किया गया है। मतलब कहीं से भी आप ये मान लीजिए यूरिया केवल यूज़ हुआ है, यूरिया इसलिए यूज़ होता है कि पौधे जब बढ़ते हैं तो ये पत्तियां देखिए पीलापन आ गया, अगर हम इसको कवर नहीं करेंगे, इसको हम रोकेंगे नहीं, तो ये पत्तियां फिर पीले से काली होके ये खत्म होना शुरू हो जाएंगी, तो यूरिया तो हमको डालना पड़ा है, और कभी कभी हल्का हल्का हमें बहुत थोड़ी मात्रा में पोटाश और बाकी चीजें भी डालनी पड़ी हैं, लेकिन फिर भी ये मान लीजिए कि अगर पूरी तरीके से 100% जैविक नहीं, तो हम ये कहते हैं कि 80% जैविक तो है। इससे पहले आप कितना खेती करते हैं आ रहे हैं और कितना लगभग दो मुनाफा? हजार बारह में हमने अपना यही प्लॉट शुरू किया था, 5 बीघे का हमारा ये प्लॉट है, 2005 में हमने शुरू किया था, जिसको हम 2019 में करीब करीब 117 बीघे खेती पे ले गए थे, लीज पे जमीन लेके आसपास, जैसे सोनसर है, जहनियापुर गांव में हमने ली थी, भावरकोल में लिया था खेत, तो 119 बीघे पे हम खेती करते थे। कितना मुनाफा लगभग मिला होगा लगभग उस समय पर एकड़ करीब करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास का मुनाफा था, 1 बीघे पे आप मान लीजिए 90,000 के आसपास मुनाफा था। तो इसकी फसल कितने दिन की फसल होती है और कब फल मिलने ये लगता है? 14 महीने की क्रॉप है। 14 महीने। हाँ आप ये मान लीजिए कि जुलाई लास्ट में पौधे लगते हैं, जुलाई लास्ट में पौधे लगने के बाद 15 जुलाई से ही हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, और वो 15 जुलाई से 15 सितंबर तक पूरी हार्वेस्टिंग हो जाती है। डिपेंड ये करता है कि आप कितना फर्टिगेशन शेड्यूल को आप फॉलो करते हैं, फर्टिगेशन का ही पूरा खेल है, अगर आपने खाद में कहीं कमी की तो वो आपके क्रॉप पे असर डालेगा, क्योंकि क्या होता है कि 15 सितंबर के बाद आप देखेंगे तो मौसम में ऊपर नीचे शुरू हो जाता है, दिन और रात के टेम्परेचर में करीब करीब 2 गुने का अंतर शुरू हो जाता है। केले के लिए अगर टेम्परेचर कम होगा यानी माइनस की तरफ जाएगा, तो केले की फसल तैयार होने में समय लेने लगती है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप 15 सितंबर अक्टूबर तक अगर आपने फसल नहीं काटी, तो फिर आप सर्दियों के प्रकोप में फंस जाएंगे, फिर आपकी फसल खराब हो जाती है। आपके मन में विचार कैसे आया कि आप ये केले शुरू करेंगे? देखिए हमारा पहले नया दौर करके राइपनिंग चैम्बर शुरू हुआ, जो हमारा कोर बिजनेस था वो राइपनिंग का था, फिर हमने देखा कि बाहर से हम माल मंगाते हैं, हमारा फ्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, तो हमने कोशिश की कि क्यों ना हम इस खेती को खुद करें, तो ये यहीं पे हमने शुरुआत की 2013 में, और
आप ये मान लीजिए कि 2013 में हमने प्रयास किया और आज आप देखेंगे अगल बगल में हमको लगता है कि शहरोज अकेले ऐसा गांव है जहां करीब करीब हमको लगता है 100 हेक्टेयर की खेती होती होगी, यानी 400 बीघे में खेती है शहरोज में। आपके द्वारा हमारे माध्यम हम खुद अपनी कर रहे हैं करीब करीब 24 बीघे पे है, खुद जुड़ते गए। तो हमारा जो सिस्टम था कि हम खेती बढ़ाएंगे, हमारा पूरा मकसद था कि हम खेती करें, ये था कि यहाँ परंपरागत खेती जो धान गेहूं की हो रही है उससे बढ़ के लोग चीजें करें। तो जब हमारा वो मकसद सफल हो गया तो हम खुद अपने आप को हमने सीमित कर लिया। मेरी BHU से मेरा ग्रेजुएशन है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से। मेरा सोशल वर्क में मास्टर्स है, PhD है और 3 साल की वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नौकरी भी है। तो नौकरी को छोड़ के मैं यहाँ खेती से जुड़ा हुआ हूँ। नौकरी में क्या फायदा नहीं था? नौकरी में फायदा था, लेकिन क्या होता है ना कि आप एक तो अपने जमीन से आप 700-800 किलोमीटर दूर हैं, तो नौकरी में फायदे की बात नहीं होती है, नौकरी संतुष्टि होनी चाहिए। नौकरी में पैसा है, आराम भी था उसमें, लेकिन संतुष्टि नहीं थी। यहाँ पे संतुष्टि है, आप देख रहे हैं फसल है, ये सारे बच्चे ही लगते हैं अपने, जब जिस दिन से शुरुआत हुई है और जब तक हार्वेस्ट होंगे तब तक इनके बीच में रहने का अनुभव अलग है, वो कोई नौकरी मैच नहीं कर सकती।